दोस्तों, आपने आलू को जमीन में उगते तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने आलू को हवा में उगते देखा है? नहीं ना। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे पुराने वीडियो से बिल्कुल अलग और मज़ेदार होने वाली है। और अगर आप एक किसान हो तो ये वीडियो शायद आपके मुनाफे को 8 गुना तक बढ़ा सकती है। और अगर आप किसान नहीं भी हो तो क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आप भी खेती बाड़ी करना शुरू कर दें, क्योंकि आज हम आपको पोटैटो फार्मिंग के ऐसे कमाल के तरीके को दिखाएंगे जिसे देखकर आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ ही आप इस तरीके से आलू उगाकर ज़्यादा फसल उगा सकेंगे। और ज़्यादा फसल मतलब ज़्यादा मुनाफा। आपने आमतौर पर किसानों को आलू को कुछ इस प्रकार पारंपरिक तरीके से उगाते हुए देखा होगा। इस तरीके का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान करते हैं, और ऐसे आलू उगाने का तरीका बहुत दिन पहले से ही यूज़ में लाया जाता है। लेकिन आज के किसान काफ़ी मॉडर्न और स्मार्ट हो चुके हैं, इसलिए अब कई किसान मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को अपनाने लगे हैं। ऐसे में किसी भी फसल की ज़्यादा पैदावार होती है। तो चलिए जानते हैं आलू उगाने की इस यूनिक टेक्निक को। आलू उगाने के इस टेक्निक को एरोपोनिक या हाइड्रोपोनिक पोटैटो फार्मिंग कहते हैं। इस टेक्निक में आलू मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में ही किसी पेड़ पर लगे फल की तरह उगती है। इस टेक्निक में आलू के पौधों की जड़ें बंद डब्बे के अंदर अंधेरे में लटकते हैं, और पौधे इस बॉक्स के ऊपर सूरज की रोशनी में ग्रो होते रहते हैं। इसके पोषण के लिए एक स्पेशल टाइप की नोजल से कुछ कुछ समय के अंतराल आवश्यक पोषक तत्वों के मिक्सचर के घोल को फुहार के द्वारा पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं एरोपोनिक टेक्निक को आलू उगाने के लिए किस तरह से यूज किया जाता है। एरोपोनिक सिस्टम को हमेशा ग्रीन हाउस में ही स्थापित किया जाता है। ऐसा करने से पौधे रस चूसक कीटों से बचे रहते हैं। पोषक घोल की टंकी प्लास्टिक, सीमेंट या किसी भी ऐसी मटेरियल से बनाई जाती है जिस पर इस रासायनिक घोल का कोई भी असर नहीं होता है। टंकी का आकार पौधे की संख्या के अनुसार बनाया जाता है। ये पंप पोषक घोलों को उठाकर पौधे के नीचे लगे नोजल तक पहुंचाने का काम करते हैं। हर 5 मिनट के अंतराल में 30 सेकंड के लिए ये पोषक तत्व नोजल से ऑटोमेटिक फुहार के रूप में आलू की जड़ों पर छिड़के जाते हैं, जिससे पौधे को आवश्यक खुराक मिलती रहती है। पौधों को तरोताजा बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस में मिस्टर्स लगे होते हैं, जो कि पानी के महीन फुहार को पौधों पर डालता रहता है। ग्रोथ बॉक्स की छत पर टिश्यू कल्चर से विकसित पौधों की रोपाई की जाती है, और ये नोजल इन्हीं बॉक्स के नीचे लगाए जाते हैं। इसके अंदर अंधेरा होने के कारण ही जड़ और आलू बनता है, और बाहर सूर्य की रोशनी होने से पौधे का विकास होता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को फुल्ली ऑटोमेटिक रखा जाता है, जिससे मशीनरी सिस्टम का काम ऑटोमेटिक चलता रहता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं एरोपोनिक सिस्टम से किस तरह से आलू उगाए जाते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर द्वारा आलू के पौधे को उगा लिया जाता है, और फिर उन्हें बाहर निकालकर रूम टेम्परेचर पर 7 से 10 दिन के लिए रखा जाता है, जिससे पौधे में थोड़ी मजबूती आ जाती है। इसके बाद ही इन पौधों का रोपण एरोपोनिक सिस्टम में किया जाता है। घोल चैम्बर में पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोल में डाला जाता है। हर 2 सप्ताह में इस घोल को बदला जाता है। इस रासायनिक तत्व को सामान्य पानी में ही घोलकर पोषक तत्वों को बनाया जाता है। यहाँ इन ग्रोथ बॉक्स में होल बने होते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से इस पौधे को बड़ी ही सावधानी से फिट करा जाता है। ग्रोथ चैम्बर के ऊपर पौधे की शाखाएं बढ़ती है, जबकि ग्रोथ चैम्बर के नीचे अंधेरे में जड़, स्टोलन और आलू विकसित होता है। कीट और बीमारियों से भी बचाने के लिए इसका खास ध्यान रखा जाता है, और समय समय पर कीटनाशक दवाई और पेस्टिसाइड का छिड़काव भी किया जाता है। रोपण के 1 सप्ताह के बाद जड़ें विकसित होने लगती है, और 40 से 70 दिन के अंतराल पहली बार आलू तोड़ने लायक तैयार हो जाती है। अब इसमें लगे छोटे छोटे आलुओं को बीज बनाने के लिए
फफूंदी नाशक रसायन से उपचारित कर 10 दिन तक लाइट में रखकर हरा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जो बड़े साइज के आलू होते हैं उन्हें बिक्री के लिए बेच दिया जाता है। और इस प्रकार के आलू ज्यादातर पोटैटो चिप्स बनाने वाली कंपनियां ही खरीद लेती है, क्योंकि इन आलुओं का साइज और क्वालिटी एक समान होता है, जिससे पोटैटो चिप्स प्रीमियम क्वालिटी के बनते हैं। एरोपोनिक सिस्टम से बहुत ही लाभ है। इस टेक्निक से हाई क्वालिटी के बीज पैदा किया जाता है, क्योंकि बिना मिट्टी और नियंत्रित वातावरण में फसल उगाई जाती है, और पारंपरिक विधि से करीब 8 से 10 गुना अधिक आलू का उत्पादन किया जा सकता है। इसमें पानी की खपत भी मिट्टी की तुलना में कम होती है। इस सिस्टम से पोटैटो फार्मिंग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां की मिट्टी आलू उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि से साल में 2 बार आलू उत्पादन किया जा सकता है। इसमें उत्पादन लागत भी पारंपरिक तरीके से कम होती है, हालांकि आपको एक बार सभी मशीनरीज के लिए लागत खर्च उठाना ही पड़ेगा। ये तकनीक आने वाले समय में हाई क्वालिटी के आलू उत्पादन में वरदान साबित होने वाली है। इस तकनीक के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तकनीक के बारे में वीडियो बनाने में हमें काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और ऐसे ही नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। एलोवेरा की खेती कैसे की जाती है ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छी है।